हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो मेरे चैनल पे आपको स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड रिव्यू जो होते हैं प्रोडक्ट के, मैं करती हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपने रिलेटिव का भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, फैमिली का भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, रेमेडी भी रहती है। तो आज का जो वीडियो है वो है एडेप्लिन जेल 0.1%। इसका मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ। अगर आप एक्ने पिंपल से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्ने पिंपल होते हैं, एक्टिव एक्ने पिंपल होते हैं, तो एडेप्लिन जेल अच्छा होता है। और मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी, जो कि फेमसिनॉल जेल करके है, वो भी बहुत अच्छा है एक्टिव एक्ने के लिए, वो भी बेस्ट है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है, इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, कब लगाना है, रात को लगाना है, दिन में लगाना है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। विदाउट स्किप किए वीडियो को आपको वॉच करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडेप्लिन जेल। इसमें क्या होता है, इसका मेन इन्ग्रीडियंट जो है वो एडेप्लिन जेल ही है। क्योंकि एडेप्लिन जेल क्या होता है, ये एक वाइटामिन ए होता है, वाइटामिन ए होता है, और वाइटामिन ए का ये थर्ड जनरेशन होता है। और ये इसका प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या है कि आपको क्या करता है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, इसकी वजह से डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आपके जो पिंपल्स एक्ने होते हैं, वो अगर 10 दिन में ठीक होने वाले होते हैं, वो आपके 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे अगर आप एडेप्लिन जेल यूज करते हैं या फेमसिनॉल यूज करते हैं। मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। मेरी सिस्टर जो है उनको मतलब सिस्ट एक्ने की प्रॉब्लम थी, तो वो उन्होंने सबसे पहले फेमसिनॉल यूज किया था, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, और एडेप्लिन जेल से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो दोनों अच्छे हैं, इसमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी सिस्टर को सिस्ट एक्ने थे पहले, तो उन्होंने फेमसिनॉल यूज किया था, उसके बाद अब उनको थोड़े कम एक्ने होते हैं। मीन्स कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सिस्ट एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा भर के एक्ने पिंपल हैं, तो उस पर ये नहीं काम करेगा। लेकिन आपको 4-5 हो रहे हैं डेली, तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, 2 या 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ है, आप फेमसिनॉल भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, थोड़ा सा अपना डाइट वगैरह बराबर रखेंगे तो उसके लिए भी अच्छा है। और एक चीज़ और ये फ़ायदा करता है, ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, वाइट हेड्स को रिमूव करता है, जो आपके नोज़ एरिया के आसपास होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। तो आप उस चीज़ के लिए ज़रूर से ज़रूर परचेज करिए। और ये स्किन को मतलब स्किन वाइटनिंग में हेल्प नहीं करता है, स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग इन सब में हेल्प नहीं करता है। बस यही है कि आपके एक्ने अगर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, तो आपके जो भी पिंपल्स के रेडनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मेरी स्किन फेयर हो चुकी। बट ऐसा नहीं है, ये वाइटनिंग का काम तो नहीं किया है, मैंने भी इसको नोटिस किया है। और इसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। मीन्स कि जो पिंपल होते हैं जो निकलते हैं, 2 या 3 दिन में चले जाते हैं, तो मीन्स इसका हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है। और इसको आपको 1 टाइम यूज करना है, रात को लगाना है। फेस वॉश किया आपने, आप चाहे तो सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश लीजिए, या आप जो भी यूज करते हैं वो ले सकते हैं। अगर सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करते हैं, तो आप पहले फेस वॉश कीजिए रात को, और उसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट रुकना है। देन उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे पिंपल है वहीं पे अप्लाई करिएगा, पूरे फेस पे मत अप्लाई करिएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और 18 साल से ऊपर के लोग इसको यूज कर सकते हैं, उससे नीचे ना यूज करें, मैं यही बोलूँगी। और डॉक्टर से एक बार आप सजेशन ज़रूर लीजिए, उसके बाद इसको परचेज करिए तो और अच्छी बात रहेगी। और सनलाइट में ना जाए इसको लगा के, मीन्स कि आपको डे में नहीं लगाना है, रात में ही लगाना है। रात को लगा देंगे, रात भर के लिए छोड़ देंगे, सुबह आपको फेस वॉश करना है सादे पानी से। अगर आप इसको दिन में लगाते हैं तो कुछ रैसेस वगैरह आ सकते हैं, सो आप इसको दिन में ना यूज करें। और सनलाइट में जाते हैं तो आप सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। और थोड़ा सा ये स्किन को ड्राई भी करता है, और ये तीनों स्किन के लिए, मीन्स कि ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, सबके लिए है, लेकिन ड्राई जरूर करता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मॉइस्चराइजर यूज करिए, आप दिन में मॉइस्चराइजर लगाएंगे, रात को इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन उतनी ड्राई नहीं होती है। और जिसके एक्ने पिंपल होते हैं उनको ज़्यादातर क्या होता है, उनकी स्किन ऑयली ही देखी जाती है, तो सिस्ट एक्ने के लिए ये नहीं उतना अच्छा काम करेगा। बट आपको जैसे 1-2 पिंपल निकल रहे हैं और आपको जाना है कहीं पार्टी वगैरह या कुछ भी शादी में, तो उसके लिए आप बेस्ट है कि आपने ये रखा है, 2 दिन में आपके एक्ने चले गए।
अब हम इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस जो है 259 है, 259 रुपए की आपको मिलती है, 15 ग्राम मिलती है, क्वांटिटी कम मिलती है क्योंकि क्रीम ये आपको स्पॉट ट्रीटमेंट एज ए करना है, मींस कि आपको जहाँ पे एक्ने पिंपल हुए हैं वहीं पे लगाइएगा, आपकी स्किन को ये ड्राई करती है। सो इसकी वजह से जहाँ जहाँ एक्ने पिंपल है वहीं पर आप अप्लाई करिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर मैं नए वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।